पढ़ाते पढ़ाते अचानक से एक बच्चा जो है कह देता है, सर ये तो टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो हम लोग को, ये कैसे चलेगा, नीट में खाली एनसीईआरटी आता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है या थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज टीचर देता है तो सही है या गलत है। क्योंकि ये कल या एक दिन पहले की बात है, मैं कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसी होती है जो एनसीईआरटी में खाली एक लाइन दी हुई है, जैसे आरएनए इंटरफेरेंस करके एक टॉपिक है, तो उसमें सिर्फ एक मैकेनिज्म सिंपल सा बता दिया, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है उसके पीछे कि वो आरएनए इंटरफेरेंस होता क्यों है, कैसे एक रिस्क प्रोटीन या डाइसर प्रोटीन जो है काम करता है, उसके ऊपर वो आरएनए इंटरफेरेंस का एक्चुअल बेसिक है। आपके एनसीईआरटी में वो टॉपिक एलिमिनेटेड है, मतलब ना तो डाइसर ना तो रिस्क, किसी के बारे में बात नहीं है। तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, टीचर जब पढ़ाता है तो अपने जोर में पढ़ाता है, अपनी अपने नॉलेज के हिसाब से जो है अच्छे से अच्छे सिंपल तरीके से बच्चे को समझाता है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक से एक बच्चा जो है कह देता है, सर ये तो टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो हम लोग को, ये कैसे चलेगा, नीट में खाली एनसीईआरटी आता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन सीधा आप लोगों से है बच्चों, कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है? नो डाउट नीट में 95% या मैं 100% क्वेश्चन कह लेता हूं चलो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन नॉलेज नाम की भी तो कोई चीज है इस दुनिया में, नॉलेज नाम की चीज नहीं है। मतलब अगर टीचर आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज दे रहा है तो क्या वो नॉलेज बुरा है? आगे चल के अगर आप जब मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशंस लेंगे, ये थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपके पास है तो क्या आपके लिए अच्छा नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर कोई टीचर जो है ज्यादा पढ़ाता है तो वो टीचर क्या अच्छा टीचर नहीं हुआ? वो तो तुम्हें ज्यादा ही नॉलेज दे रहा है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की मानसिकता इतनी बन चुकी है कि वो सिर्फ एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। देखो बच्चों, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, 20 से 25 लाख बच्चे सपना देखते हैं नीट एग्जाम को क्रैक करने का। कितने गवर्नमेंट मेडिकल सीट में एमबीबीएस पाते हैं? 15,000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं। बाकी बच्चों का क्या? अगर वो बाकी बच्चे, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिकल शायद ड्रॉप भी कर देते हैं, नहीं करना है, तो वो आगे चल के टीचिंग में आ जाते हैं, उनको टीचर बनना है। क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो है टीचर्स हैं इन्वॉल्व हैं प्लेटफॉर्म पे और बच्चों को अच्छे खासा गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके टीचर ने उनको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज दिया होगा, पढ़ाया होगा एनसीईआरटी के बाहर का, तो उनके लिए तो एक बेनिफिट हो गई ना। पॉइंट इसमें यह है, पूरा मुद्दा जो है इस सेशन का मुझे आपसे सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ और उस टॉपिक को एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर कवर कर लेता हूं, मतलब उसको कवर करना इसलिए जरूरी है ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा दूं तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका लॉजिक मुझे नहीं लगता कि कोई वैलिड होता है। तो समवेयर और दी अदर बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं सोचा देखो मेरे पास अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे सही जेन्युइन राय या सही चीजें बताएगा, वो मेरा आप के थ्रू इंटरेक्शन है। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बच्चों, आप मुझे बताओ क्या टीचर को एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? और अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए शो कर देता हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहां पे हम एवरी संडे जो है लाइव सेशंस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। खास करके मेरे वही बच्चे होते हैं जो मुझे ऑफलाइन जानते हैं, ऑनलाइन के थ्रू नहीं जानते, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आप भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और आप टेलीग्राम आईडी को भी देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारे लिंक्स डाल के रखे हैं, जिससे आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है। ट्विटर आईडी मैं आपको दिखा तो देता हूं, हालांकि मैं इसे ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट स्टिल ट्विटर आईडी भी है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। और ये मेरा ब्लॉग का आईडी है बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। इस ब्लॉग पे आप जाओगे तो जब आप सर्च कॉलम में चैप्टर टाइप करोगे, चाहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टाइप कर लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टाइप कर लो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। कीप ऑन स्टडिंग, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन जब तक आपके नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल ना लग जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।